दिव्या भारती, श्रीदेवी और सुशांत सिंह जैसे कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने पूरा देश हिलाकर रख दिया था। हर तरफ इन स्टार्स के निधन की खबर सुनकर मातम पसर गया था। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि हंसते खेलते ये स्टार्स अचानक अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। ऐसा ही एक केस 2002 का है, जब एक साउथ एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गलत कदम उठाया था। ये नाम कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस प्रत्युषा का है, जिन्होंने 2002 में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जान गंवा दी थी। सिर्फ शादी ना होने की वजह से एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। आज भी ये केस लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। प्रत्युषा साउथ की उभरती हुई एक्ट्रेस थी, उनका करियर आगे बढ़ रहा था और वो इससे काफी खुश थी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो प्यार करने के लिए तरस रही थी। वो सिद्धार्थ रेड्डी नाम के लड़के से प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। और आखिरकार प्रत्युषा ने इतनी सी बात पर सिर्फ 20 साल की उम्र में सुसाइड कर ली थी। प्रत्युषा सिद्धार्थ रेड्डी के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों ने साल 2002 में एक साथ कोको कोला में मिलाकर जहर पी लिया था। जहर पीने से प्रत्युषा की तो तुरंत मौत हो गई थी, लेकिन सिद्धार्थ बच गए थे। उस दौरान कहा गया था कि सिद्धार्थ के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे और दोनों ने इसीलिए एक साथ मरने का फैसला किया था। साल 2002 में जब प्रत्युषा का पोस्टमार्टम हुआ, उस वक्त उनका सुसाइड का मर्डर बताया गया। रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रत्युषा की मौत गला घोटने से हुई है। मरने से पहले उनका रेप भी किया गया था और इस खबर ने फिर से सोशल मीडिया पर तूफानी खड़ा कर दिया था। हर किसी की जुबान पर बस इसी केस का नाम था। हालांकि इस केस पर सीबीआई जांच भी रखी गई और आखिरकार जांच एजेंसी ने कई निष्कर्षों को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्रत्युषा की मौत सुसाइड का मामला है। हालांकि सीबीआई ने प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया था। अदालत ने उन्हें 6,000 रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। प्रत्युषा की मां आज भी मानती है कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी। प्रत्युषा या सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो इंडस्ट्री के लोगों के टॉर्चर से परेशान होकर अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। ये इंडस्ट्री दूर से जितनी ग्लैमरस और चमकती है, पास में उतनी ही दुख और दर्द से भरी हुई है। जब ये तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब सितारे जिंदगी को गले लगाकर मौत को गले लगाना ही ठीक समझते हैं। मौत को गले लगाने वाली हस्तियों की लिस्ट अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप सब सोचने को मजबूर हो जाएंगे। कुछ हादसे जो जिंदगी भर की चोट देकर जाते हैं, उनके घाव कभी नहीं भरते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की चमकती दुनिया के भी ऐसे ही कुछ घाव हैं जो आज तक नहीं भरे। आज भी इन हादसों को याद कर लोग रो पड़ते हैं। ऐसा ही एक हादसा मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले के साथ हुआ, जिसे याद कर वो आज भी कांप जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं होते हैं। जी हाँ, वही आशा जिनकी सुरीली आवाज से पूरी दुनिया बखूबी से वाकिफ है। वो 1000 से ज्यादा फिल्मों में 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गीत गा चुकी हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। आशा पहली ऐसी भारतीय सिंगर है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। साल 1997 में आशा को पहली बार नॉमिनेट किया गया। साल 2005 में एक बार फिर आशा को ग्रैमी में नॉमिनेशन मिला। आशा को जितनी सफलता मिली, उतना ही बड़ा एक दुख भी मिला है। आशा की प्रोफेशनल लाइफ में जितने उतार चढ़ाव आए, निजी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल तब आया जब उनकी बेटी वर्षा ने गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। ये घटना साल 2012 की है। हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान रह गया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया है, किसी को खबर नहीं थी। घटना के बाद घर पर आशा भोसले घर पर नहीं थी। आशा सिंगापुर में एक अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेने गई थी। हिंदी और मराठी फिल्मों में गाने के साथ साथ अखबारों के लिए लिखने वाली वर्षा माँ आशा के साथ कई कंसर्ट में हिस्सा लेती थी, लेकिन वो काफी समय से डिप्रेशन में चल रही थी और इसका अंदाजा उनकी माँ आशा को कभी पता ही नहीं चला। वर्षा ने जिस पिस्टल से खुद को गोली मारी थी, वो उनके भाई की थी। आशा की बेटी की मौत के बाद उनके पास से कोई भी नोट बरामद नहीं किया गया, लेकिन बताया जाता है कि वर्षा डिप्रेशन की शिकार थी। इससे पहले भी उन्होंने जान देने की कोशिश की थी। वर्षा ने सितंबर 2018 में आत्महत्या की कोशिश की थी। तब उन्हें जसलोक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उस समय ये बात सामने आई थी कि वर्षा मोटापे की वजह से परेशान थी और इसके चलते वो डिप्रेशन में आ गई थी और कई बीमारियों का शिकार भी हो गई थी।
आशा भोसले के तीन बच्चों में वर्षा दूसरे नंबर की थी और वो मुंबई में मंगेशकर परिवार के साथ रहती थी। वर्षा ने स्पोर्ट्स राइटर हेमंत केकरे से शादी की थी, लेकिन 1998 में उनका तलाक हो गया, जिसके बाद वर्षा मुंबई में अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। एसिड अटैक का नाम सुनते ही ना जाने कितनी लड़कियां कांप कर घर में बैठ जाती हैं, हिम्मत तोड़ देती हैं और वो सपने भी उस वक्त टूट जाते हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ देखे थे। सोचिए जरा, जिस लड़की पर ऐसा अटैक होता होगा वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारती होगी, वो रोज जिंदा मिट्टी की तरह जीती है। कई लड़कियां तो तुरंत सुसाइड कर लेती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मशहूर अदाकारा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने सुसाइड का विचार लाना तो छोड़ो बल्कि खुलकर जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था और जंग जीत कर ही मानी। ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल है। रंगोली चंदेल सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं और अक्सर किसी न किसी विवाद को लेकर मुंह तोड़ जवाब भी देती है। आज कंगना ने भी अपनी बहन रंगोली का एसिड अटैक का किस्सा शेयर किया है। उन्होंने खुद माना कि उस दिन मैंने अपनी बहन को खो दिया था, मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी, लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई बहन ने हार नहीं मानी, उसने योगा से अपने आप को खड़ा किया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, रंगोली की योग स्टोरी सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली है। एक सिरफिरे आशिक ने रंगोली पर एसिड फेंका था जब वो मुश्किल से 21 साल की थी, थर्ड डिग्री बर्न था, करीब आधा चेहरा उसका झुलस गया था, एक आंख की रोशनी भी चली गई थी, एक कान बुरी तरह पिघल गया था, अब ब्रश तो देखने लायक भी नहीं बचा था। रंगोली की 2-3 साल में करीब 53 सर्जरी हुई, लेकिन वो काफी नहीं थी। सोचिए जरा, इतना सब झेलने के बाद वो लड़की कैसे जिंदा बची होगी। कंगना आगे कहती है, मुझे सबसे ज्यादा चिंता उसके मेंटली स्वास्थ्य की थी, क्योंकि उन्होंने बोलना छोड़ दिया था। चाहे कुछ भी होता था वो एक शब्द नहीं बोलती थी, बस चीजों को देखती रहती थी। रंगोली एक एयरफोर्स ऑफिसर के साथ इंगेज थी, लेकिन जब उसने एसिड अटैक के बाद रंगोली का चेहरा देखा तो वो लौट कर कभी वापस नहीं आया और उसने वहीं से बात बंद करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद तो रंगोली की आंख में एक आंसू तक नहीं दिखा, ना ही उसने एक शब्द कहा था, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। लेकिन इन सब चीजों ने उसे इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूत बना दिया कि वो आज जो है वो सब देख रहे हैं। एक पोस्ट में कंगना लिखती है, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि रंगोली शॉक में है, जिसके बाद उसे थेरेपी दी गई, साइकेट्रिस्ट की मदद ली गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। उस वक्त मुश्किल से मैं 19 साल की थी, मैं अपने टीचर सूर्य नारायण के साथ योग करती थी और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये जलने और मनोवैज्ञानिक आघात वाले रोगियों को भी रोटीना ट्रांसप्लांट रिकवरी और खोई हुई दृष्टि पाने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही कंगना ने लिखा, मैं चाहती थी कि वो कैसे भी मुझसे बात करे, तो मैंने उसके साथ हर जगह जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि योग क्लास भी शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे साथ योग करना शुरू किया और मैंने उनके साथ एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखा। न सिर्फ वो अपने दर्द और मेरे बुरे जोक्स पर रिएक्ट करने लगी, बल्कि उनकी एक आंख की रोशनी भी वापस आ गई।